क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम कमिटिंग, जिसके रिलेटेड मैंने आपको आर्टिकल भेजा था। अब आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में। जी हाँ, एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास समझ में आ गई थी आप लोगों को, और मैंने लिंक भी भेजा था देखने के लिए, आई थिंक उसको भी आपने देख लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज होता है, जबकि हम जो लिखना चाहते हैं उसके जगह जो लिखे कुछ और शो कुछ और हो, ये हम जानना चाहते थे। तो चलिए इसी के साथ हम आपको इस पूरी डिटेल्स को समझाते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज होता कैसे है। जैसे कि हम एग्जांपल में मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नेम लिखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर कुछ नंबर आप लिखते हैं और इस नंबर में अगर आपके पास मान लीजिए कोई नंबर आपने लिखा, उस पर आप कोई प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करना है, तो आप प्रीफिक्स सफिक्स को आप डालते हैं इन्वर्टेड कॉमा में और फिर हैश या जीरो डालते हैं, तो वो आपको दिख जाता है। तो क्या नेम में दिख सकता है? जैसे कि मैं यहां पे कंपनी नेम दे रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे कंपनी नेम दे रहा हूं, कंपनी नेम में मुझे M/S लगाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि M/S जो है अपने आप लग जाए, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा इसके ऊपर, मतलब कि मुझे टेक्स्ट के आगे प्रीफिक्स सफिक्स लगाना है आगे या पीछे। तो जैसे कि आपने इन्वर्टेड कॉमा में अपना प्रीफिक्स सफिक्स लिख दिया था, इसको भी आप यहां पे लिख दीजिए। और जियो हैश नंबर के लिए होता है, और यहां पे एट द रेट जो होता है वो एट द रेट होता है आपका टेक्स्ट के लिए, तो हमने यहां पे एट द रेट डाल दिया। अब नाम देखिए, यहां देखिए आईपीटी आ गया। अब एड्रेस में जैसे मुझे प्रीफिक्स सफिक्स डालना, और यहां पे मैं कस्टम पे जाता हूं और यहां पे एट द रेट लगाता हूं, नहीं यहां, हाँ एट द रेट लगाता हूं, और यहां पे जैसे कि हमारा एड्रेस मेरा सेम है न्यू दिल्ली 1062, तो इन्वर्टर कमा नहीं लगाया, इन्वर्टर कमा में यहां लगा देता हूं। अब यहां पे मैं लिखता हूं कि अब अपने आप आपको यहां दिख गया, ठीक है सर, कुछ भी लिखिए यहां पे मैं अपने आप आपका आ जाता है। इस तरह से आपको जो भी डायल डालेंगे यहां पे इस तरह से लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। सो जैसे आपने खानपुर डाला है, तो खानपुर क्या मतलब सिस्टम सर्च का कहां से गया खानपुर? न्यू दिल्ली आप एड्रेस देना चाहते हो, लास्ट का जो डिजिट है पिन नंबर है सिटी है आपका एक ही है जी,
तो मैं कुछ भी डालता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए F101, मैं यहाँ पे बदनगीर डाल दिया। अब इसके आगे मुझे लिखना है न्यू दिल्ली 11062, तो ये अपने आप लगा दिया। ओके ओके, मतलब लास्ट का जो सफिक्स है दैट इज गेटिंग कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। सही समझे, ठीक है जी जी जी, विदाउट इसमें नहीं, ठीक है, सेम प्रीफिक्स में भी सेम रहेगा, सफिक्स में भी सेम सही रहेगा। मान लीजिए हम लोग एक चेक का फॉर्मेट बनाए थे कि चेक अपने आप प्रिंट हो जाए, तो उसमें अमाउंट था, जैसे देखते होंगे आप बंदा अंदर लिख के कुछ बहुत सारे इस पे लिख देते थे, उस तरह से चाहिए हमको। तो यहाँ पे 1500 हमने लिखा टेक्स्ट फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, और इसके ऊपर मैंने कस्टम में गया और एट द रेट इसमें स्टार। अब स्टार के बाद जो कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर आप डाल सकते हैं, ठीक है। डबल स्टार डाल दिया एनएम, इससे क्या होगा कि साइज आप बड़ा करोगे तो बड़ा बढ़ जाएगा और छोटा करेंगे तो भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है जी जी। डाउट तो नहीं इसमें, नहीं ठीक है सर। चलो, तो ये आपका एट द रेट का था, समझ में आ गया। अब इस तरह से नंबर की बात करें, जैसे कि मेरे पास यहां पे प्रॉफिट और स्लैश लॉस है, तो अगर हमने प्लस में दिया इट मींस प्रॉफिट, अगर हमने माइनस में दिया तो लॉस, जो दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और कोई टेक्स्ट है तो कुछ भी ऐसा मतलब कि कुछ मैसेज आ जाए, ठीक है। तो अगर आप जाते हैं यहां पे ट्रैक्टर में, जैसे कि आपने कस्टम पे गया और कस्टम पे आपने कर दिया जो मान के जीरो कर दिया, तो ये जीरो जो है या कुछ भी दे दिया जीरो की जगह पे मान प्रीफिक्स ही लगा दिया आपने, आपने कर दिया प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट है वो जो है आपका निगेटिव पॉजिटिव, जितनी पॉजिटिव है उसको शो करेगा, फिलहाल तो निगेटिव को भी शो करेगा, लेकिन मुझे सिर्फ पॉजिटिव को निगेटिव शो देना है और निगेटिव के लिए लॉस देना है, तो सेमीकोलन दीजिए और यहाँ पे आप लॉस लिख दीजिए। दूसरा स्थान जो होता है निगेटिव के लिए होता है, तीसरा स्थान जो होता है इसका नो प्रॉफिट नो लॉस, आपका जीरो के लिए होता है, और चौथा जो होता है वो होता है हमारा टेक्स्ट के लिए डेटा नॉट फाउंड। ध्यान से देखिए, तो ये जो आपके सेमी कॉलन का सेपरेशन है, मतलब कि कस्टम फॉर्मेटिंग के जो सिंटैक्स होते हैं वो चार सिंटैक्स होता है, पहला होता है पॉजिटिव निगेटिव जीरो एंड टेक्स्ट, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो एंड टेक्स्ट, क्लियर है जी। तो यहां पे हमने इस तरह से डाला एंड ओके करता हूं, यहां पे देखिए प्रॉफिट लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस एंड इस तरह से दिखा। तो आपको अगर मान लीजिए सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही डालना है
कस्टम याद है, मैं मान लीजिए कि याद दे दिया प्रॉफिट। देखिए इसमें मैं अपना, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट और ये लॉस आ रहा है, इसमें अमाउंट जो फिगर है वो फिगर नहीं आ रहा है, मुझे फिगर भी चाहिए। तो मैं यहां पे हैश या जीरो दे दूंगा, फिर सेमी कॉलम, क्योंकि लॉस के लिए यहां पे मैं रह देता हूं यहां पे लॉस, और फिर यहां पे मैं वापस जीरो या हैश दे देता हूं। बट इसमें माइनस का साइन नहीं आया, आप अगर माइनस का भी साइन देना चाहते हैं तो माइनस का साइन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं प्रॉफिट पे आता हूं, और इसमें जीरो के बाद मैं यहां पे माइनस दे देता हूं, माइनस दे देता। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों का सर? नहीं, ठीक है। हम इसका यूज करते हैं, डेट की, ये तो होगी नंबर्स की बात। अगर डेट्स की बात करें तो अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे डेट दिया हुआ है, डेट दिया, अब डेट के ऊपर अपना खुद का फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप जाते हैं डेट में, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग कंट्री के लिए, अलग अलग इसके लिए भी फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग चीजों के लिए फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा कस्टम में आप आते हैं तो यहाँ पे डी फॉर डेट, एम फॉर मंथ, वाई फॉर वाई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जाम्पल कि हमने एक डी डाला तो सिर्फ यहाँ पे हुआ ना आया, अगर मैं डबल डी डालूंगा तो ये 0-1 आएगा, तीन बार डी डालूंगा तो सैटरडे एंड संडे आएगा, चार बार डी डालू तो संडे सैटरडे पूरा कंप्लीट आएगा। ठीक है, yes. से मंथ एक बार डालोगे तो 1-2-3 के फॉर्मेट में आएगा, दो बार डालूंगा तो ये आपका आएगा 0-1-2 के फॉर्मेट में, तीन बार डालूंगा तो सैटरडे संडे शॉर्ट नेम आएगा, चार बार डालूंगा तो पूरा फुल आएगा, पांच बार डाल दिया सिर्फ फर्स्ट लेटर ऑफ आएगा मंथ का, मंथ का सिर्फ फर्स्ट लेटर आएगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास, अब इसको आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी वैसे आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लिखना चाहते हो उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सर एक प्रश्न है आपके, जैसे आपने लिखा है 0-1-0-1-2020, हाँ मैं स्क्रॉल करता हूं उसको तो
it is getting updated 21, 22, 23, but date वही same रहता है। देखिए होता है कि आईएम के सिस्टम के दो फॉर्मेट हैं MMDDYY और DDMMYY, समझ गया ना? तो लिखने से पहले आप जैसे मुझे आज का डेट लिखना है तो मुझे 1/30 लिखना होगा, उसके बाद मैं ड्रैग करूंगा तो ये आपका डेट चेंज होगा, मंथ और ईयर सेम रहेगा, समझ गया? अब मान लीजिए कि मुझे माना कि लिखना है 1 दिसंबर, तो मैंने लिखा 1/12, तो ये अगर आपने इस फॉर्मेट में कर दिया, जो इसका डेट का फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में कर दिया, तो आपको ये लग रहा है कि 1 दिसंबर है, आप इसको मान रहे होंगे। जी जी, ये चेंज करना मेरे को 1, 2, 3 ऐसे। हाँ दिखा ना सर आपको, डेट सेम है, मंथ चेंज हो रहा है। यस, अब ये प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होती है जिस कारण से ऐसा हुआ है, ठीक है? ओके, क्लियर है जी? बोले जी जी, डेट के बाद हमारा टाइम आता है, इसमें मैंने 10:20 यहाँ लिखा, 10:20, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट इसने एएम ले लिया, अगर आपको पीएम लिखना है तो यहाँ पे दो तरीका है, 10:20 और यहाँ पे आपको पीएम करेंगे तब वो पीएम को लेगा, या फिर आप 24 वाला फॉर्मेट लगाए कि 22:20 तो ये आपका पीएम हो जाएगा। अगर आप फॉर्मेट चेंज करने की बात आए तो आपके पास टाइम के लिए बहुत सारे फॉर्मेट हैं, 24 आवर से ऊपर का फॉर्मेट है, तो यहाँ पे आप जो है ले सकते हैं 37, 30, 55 वाला फॉर्मेट, क्या जी? अदरवाइज आप कस्टम पे जाए और यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे DD/MM/SS, ठीक है, DDMMSS, ठीक है? सॉरी माफ कीजिएगा, डीडी नहीं होगा, सॉरी HH होगा, सॉरी HH MM SS। और AMPM देना है पहले आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पे AM/PM दे दीजिए, AM/PM, ठीक है? तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट सर इसमें? नहीं, ठीक है। रमेश जी कैसे हैं? सर बस बढ़िया, आप बताइए। आज लेट हो गए सर। अरे सर बस मुझे पता नहीं था ना आज क्लास होगी या नहीं होगी। चलिए कोई बात। अब इसमें हम बता रहे थे आपको कि टाइम के लिए, कि टाइम अगर हम डाल रहे हैं तो टाइम में क्या कर सकते हैं। अब प्लीज सर स्टार्ट कर लीजिए रिकॉर्डिंग, रमेश जी अल्ट प्लस आर करके। अब टाइम की हम बात करें कि टाइम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का आपने 45 घंटे 20 मिनट किसी का ओवर टाइम निकाला होगा, तो मैंने कल बताया था, लास्ट क्लास में बताया था आपको, कल नहीं, मैंने इससे पहले जो क्लासेस हुई थी उसमें, कि हमारा जो ये है
क्या बोलते हैं इसको अगर नंबर फॉर्मेट में अगर हमने चेंज कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो हम कस्टम पे जाते हैं, कस्टम पे भी कर सकते हैं या फिर यहाँ टाइम में जाके 37-30% ले सकते हैं, फिर भी हो जाएगा। लेकिन कस्टम से करना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसमें एच को आपको बड़ी ब्रैकेट में रखना होगा। नॉर्मली आपका एच एच एम एम एस एस होता है, एच आवर के लिए होता है, एम आपका मिनट के लिए होता है, एस आपका सेकेंड के लिए होता है। तो यहाँ कर सकते हैं बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे एच को, कि बड़ी ब्रैकेट में एच ले लिया और फिर एम एम और फिर एस एस करेंगे तब जाके आपका टाइम आ जाएगा। लेकिन मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 45 घंटे नहीं, कितना टोटल मिनट हुआ, मतलब कि 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और फिर उसमें प्लस करेंगे 20। तो ये चीज इतना करने की जरूरत नहीं है, इसी के ऊपर हम जाएंगे। ऊपर जाने के बाद इसी को हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर में एम को रखेंगे, बड़ी ब्रैकेट को हमने एम के अंदर रख दिया एंड ओके। यहां देखिए 2720 आपको दिख रहा है, ठीक है। जी हो गया हमारा। अगर आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, कस्टम में जाएंगे, एम के जगह पे आप एस कर देंगे, तो ये आपका सेकेंड में आ जाएगा। और यहां पे मैंने जीरो सेकेंड, तो यहां पे मैं प्रीफिक्स भी लगा सकता हूं, यहाँ पे ये देखे कि यहाँ पे मिनट एमटी इन्वर्टर कमा में और फिर सेमी कॉलन के बाद सेकेंड है, तो यहाँ पे एस, ठीक है। 2720 जीरो सेकेंड, सेकेंड नहीं डाला हुआ, अगर मैं यहाँ पे डालू 45 घंटे 54 मिनट और 90 सेकेंड 74:47 सेकेंड। इस तरह से आप कर सकते हैं, तो डाउट इसमें नो सर। इसमें आगे बढ़ते हैं, अब चलिए एक एग्जांपल करते हैं अच्छा सा। तो बेसिकली हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। जैसे कि हमने कुछ नाम दिया, ध्यान से देखिएगा, कुछ नाम दिया और यहां पे मैं डेट देता हूं, जनवरी का ही डेट देता हूं, इस तरह से
और यहाँ पे अटेंडेंस में ये है आपका 0 से 9, हम दे देते हैं यहाँ पे अटेंडेंस। ये क्या है कि जो स्वैप मशीन में आप आप लोग जाते हैं इसमें ऑफिस में, तो आप लोग एक्सेस करते हैं ना, तो ये क्या है कि किसने कितना बार एक्सेस कार्ड को यूज किया है। जिसने 0 यूज किया मतलब कि उस दिन वो अब्सेंट था, जैसे कि इन द 2 जनवरी में अब्सेंट था या योगेश अब्सेंट था, 4 तारीख में पूजा स्पेंट थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है उस नंबर्स को हमें पी देना है और जितने भी टेक्स्ट है मतलब 0 है उसको ए देना है। तो ध्यान, नंबर्स को मुझे देना है पी में प्रेजेंट और बाकी देना है अब्सेंट, राइट जी जी। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हम यहां पे कि अगर हम यहां पे मान के पी दे दिया तो ये पोजीशन किसका होता है, प्रेजेंट का, प्रीफिक्स। हमने पी दे दिया ये आपका इसका हुआ प्रेजेंट का हुआ, ठीक है। और हमने सेमी कॉलम दिया, अब इसके बाद जो डालेंगे वो निगेटिव के लिए होगा, मतलब कि P जो पॉजिटिव नंबर से उसमें आपका P दिखेगा, ठीक है, नेगेटिव में पॉजिटिव नंबर से उसमें P दिखा। और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हैं, उसको कुछ नहीं देना है। तो मैं एक समीकरण देके इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, क्योंकि स्थान जो होता है इसमें जो 4 रमेश जी ध्यान दीजिएगा, शायद टॉपिक आपको नहीं बताया था मैं। जैसे कि क्या होता है कि इसके 4 पार्ट होते हैं, जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग में कोड देते हैं उस कोड के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रॉफिट, दूसरा होता है लॉस, सॉरी पहले होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है जीरो, चौथा होता है टेक्स्ट एबीसीडी, और सेपरेशन किससे, सेमीकॉलन से। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि अगर पॉजिटिव नंबर हो तो प्रॉफिट होता है, देखिए पॉजिटिव को प्रॉफिट दिख गया, नेगेटिव को लॉस दिखे तो यहाँ नेगेटिव के लिए लॉस दिख गया, ये नेगेटिव लॉस दिख गया, जीरो तो एनपीएल नो प्रॉफिट लॉस दिखे, और टेक्स्ट हो तो यहाँ पे इस तरह के दिखे, ठीक है। तो इसमें मुझे प्रॉफिट एंड सॉरी इसमें मुझे पॉजिटिव और जीरो चाहिए अपने इस एग्जांपल के लिए। तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और यहां कस्टम पे आएंगे, कस्टम पे आने के बाद मैं यहां पे करूंगा पी पॉजिटिव के लिए, और यहां पे सेमी कोलन दिया, बीच में नेगेटिव नंबर तो है नहीं तो हमने छोड़ दिया, और यहां पे हमने दे दिया अब्सेंट 0 के लिए, क्योंकि तीसरा स्थान जो होता है वो हमारा 0 का होता है, तीसरा स्थान 0 का होता है। सेलेक्ट किया एंड ओके। समझ में आप लोगों को, रमेश जी समझ में आया आपको? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। तो इस तरह से इसका यूज हम करते हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि इस कॉलम में, इस कॉलम में नेगेटिव रेड हो पॉजिटिव ग्रीन हो, तो यहां पे मैंने क्या किया, सिंबल कोड यहां पे हमने दिया रेड बड़ी ब्रैकेट में, और फिर दिया कंडीशंस कि ग्रेटर देन सॉरी माफ कीजिएगा लेस देन 100, फिर हमने सेमी कॉलन दिया सेपरेशन दूसरे कलर के लिए, दूसरा कलर है यहां पे ग्रीन, और कंडीशन क्या है वो है ग्रेटर देन 100, ठीक है। एंड हम यहां पे करते हैं,
अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैं, पहले कंडीशन होगा फिर कलर होगा। हेलो सर, पहले पॉजिटिव वैल्यू आई सर, ग्रेटर देन वाली सर। पॉजिटिव नेगेटिव नो प्रॉफिट ना, इसमें सेमीकोलन होता है, कंडीशन दे सकते हैं। हेलो हेलो सर, कहीं ये कॉलम खाली तो नहीं है, इस वजह से तो नहीं हो रहा है? नहीं, उससे कॉलम नहीं। हेलो 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 सर, कल पॉजिटिव वैल्यू आई सर, ग्रेटर देन वाली सर। हेलो हेलो सर, हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। हाँ, ये कह रहे सर शायद पहले ग्रेटर देन वाली वैल्यू आ गई था। नहीं, उससे नहीं, कुछ और प्रॉब्लम है, एक बार देख ले दीजिए हमको। ओके ओके, आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो टेक्स्ट था, आई थिंक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा।
हम सब कुछ सही कर रहे थे, बस एक छोटी सी गलती था, ये सेमी कॉलम था और हम स्पेशल मार्क लगा रहे थे। ओ ये दिक्कत आ जाए।